तो स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट है, एसी सर्किट। एसी करंट के नाम से भी पढ़ा जाता है इस चैप्टर को, है ना, एसी करंट के नाम से। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके पहले वाले करंट पढ़े हुए हैं, इसके पहले कौन कौन से करंट पढ़े हैं, डीसी करंट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये सब पढ़े हुए हैं ना। बैटरी से जो करंट निकलता है वो कौन सा करंट है, अगर ये एसी करंट है तो वो कौन सा करंट है, डीसी करंट है। डीसी करंट का मतलब ये कि ऐसे सर्किट बनाते थे उसमें रेजिस्टेंस और यहाँ क्या लगाते थे, एक बैटरी। इस बैटरी से क्या होता था, चार्ज ट्रांसफर होता था, जिसको हम कहते थे कि यही करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते थे, I बराबर डी क्यू बाई डी टी या I बराबर क्यू बाई टी, इसी को हम क्या कहते थे, आवेश प्रवाह की दर, वैद्युत धारा। इसका मात्रक भी क्या होता था, कूलाम पर सेकेंड। तो ये जो धारा होती थी ये कॉन्स्टेंट धारा होती थी, ये वाली कैसी धारा होती थी, कॉन्स्टेंट धारा। कॉन्स्टेंट करंट का मतलब क्या, कि जैसे अगर ये एक्सिस बना दें हम, ये कौन सी एक्सिस है, टाइम की एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, करंट की एक्सिस है। मतलब यहाँ पर टाइम बढ़ेगा और यहाँ पर करंट, तो ऐसे करंट होती थी, मतलब कांस्टेंट करंट होती थी। ये अपने आप को फिक्स वैल्यू रखती थी, अपनी वैल्यू कैसे रखती थी, यहाँ पर निश्चित, एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स है। तो ये डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करती थी, एक ही डायरेक्शन में रहती थी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, तो एक डायरेक्शन में होती थी ये करंट। तो इस करंट को हम क्या कहते थे, डीसी करंट। अब जो हमें करंट पढ़ना है ये एसी करंट है। एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि ये बार बार अपने आप को चेंज करेगी, एक बार प्लस चलेगी तो एक बार माइनस चलेगी। कैसे चलेगी, इस चीज़ की बात कर लेते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने देखा होगा फैराडे के नियम, फैराडे के नियम में देखा होगा आपने कि जब भी फ्लक्स परिवर्तित होता है तो एक EMF जनरेट होता है, E। जब भी फ्लक्स परिवर्तित होता है, अब ये फ्लक्स क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ क्या है, साउथ पोल है। यहाँ नॉर्थ पोल से क्या होगा, चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, है ना, और इसके बीच में अगर हम एक कुंडली ऐसे रख दें और कुंडली को बार बार घुमाएं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इधर से इधर क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। अगर इसी के बीच में हम एक कुंडली रख दें तो एक कुंडली ऐसे घुमाएं, अभी कुंडली में क्या होगा, सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होंगी, तो फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा। जैसे इसको इसको घुमाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स क्या होगा, परिवर्तित होगा। पहले क्या होगा, ऐसे सबसे ज़्यादा, अब धीरे धीरे कम होते होते सबसे कम, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा, फिर ऐसे घुमाएंगे तो सबसे कम ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा ये होता रहता, बार बार परिवर्तित होता है। तो बार बार परिवर्तित होता है, इसी फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं E = -mdφ/dt। हमें सिर्फ परिमाण की बात करनी है, परिमाण की बात करनी है तो माइनस को भी इग्नोर करके चलते हैं। E = कितना, हम कह देते हैं मॉड ई एन डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी का मतलब कि जैसे जैसे फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होगा, फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होगा, वैसे वैसे क्या मिलेगा हमें, एक वैद्युत वाहक बल। अब ये चीज़ डिपेंड करती है समय के ऊपर कि समय कैसे परिवर्तित होगा, कितनी तेजी से परिवर्तित होगा, तो हमें वैद्युत वाहक बल मिलेगा। ये बात आई होगी समझ में। पूरी कहानी में याद क्या रखना है कि जब भी फ्लक्स परिवर्तित होगा तो वैद्युत वाहक बल मिलेगा। अब ये वैद्युत वाहक बल क्या है, ये एक प्रकार का वोल्टेज ही है समझ लीजिए, इसका मात्रक भी वोल्टेज होता है, ये एक प्रकार का क्या है, वोल्टेज। और हमने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर। जब भी किसी वोल्टेज में आर से डिवाइड कर देंगे हम, भाग करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, धारा मिल जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तित होगा, फ्लक्स परिवर्तित होने के कारण क्या मिलेगा, वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल में हम किससे भाग करा देंगे, आर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई करंट मिल जाएगा। अब ये जो करंट मिलेगा यही क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। ये बात आई समझ में, ठीक। ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, किधर की ओर, अंदर की ओर। हमने बताया था कि जैसे अगर ये डायरेक्शन ऐसे हो, ये एरो किधर जा रहा है, अंदर की ओर जाएगा, तो आपको ये पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा, तो इसको हम क्या बनाएंगे, क्रॉस। और जब ये एरो बाहर की ओर आएगा तो आपको इसका पॉइंट दिखाई देगा, तो उस केस में क्या बनाएंगे, डॉट। तो अभी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। और इसमें हमने एक पृष्ठ बना दिया, ये वाला, ये कुंडली बना दी समझ लीजिए, वृत्ताकार कुंडली। इस कुंडली का एरिया कितना है, ए,
क्षेत्रफल कितना है इसका ए, चुंबकीय क्षेत्र कितना है बी, चुंबकीय क्षेत्र कितना बी। तो अगर यहाँ फ्लक्स की बात करें कि फ्लक्स कितना होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, लेकिन एक बार फिर से इस चैप्टर में ज़रूरत है तो रिवाइज कर लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर आपने पढ़ा होगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। इसको डॉट प्रोडक्ट से लिखते हैं, बी डॉट ए कहते हैं, तो वही डॉट का जब गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है कॉस थीटा, तो फाई बराबर हो जाएगा बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। ये बात आई समझ में? अब हमें करना क्या है, फ्लक्स को परिवर्तित करना है, तभी क्या होगा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और तभी हम आर से भाग कराएंगे तो हमें धारा मिलेगी आई मिलेगा। तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अब इसमें सोचिए कितने वेरिएबल हैं, तीन चीज़ें हैं, पहला कौन सा बी, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा क्या ए, ए का मतलब क्षेत्रफल एरिया, किसका एरिया कुंडली का, ये जो कुंडली है इसका एरिया, ये क्या है थीटा कोण, किसका कोण। अब देखिए जैसे हमने कहा कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ निकलती हैं, नॉर्थ से साउथ, जहाँ समझ में आए तुरंत पूछना, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन क्या। तो जहाँ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इधर से इधर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। अच्छा, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होता है, पृष्ठ के लंबवत, जैसे अगर हम ऐसे बना दें तो ये पृष्ठ के लंबवत इसका क्षेत्रफल हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही हैं, क्षेत्रफल किधर, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 100, हमने थोड़ा सा इसको घुमा के ऐसे कर दिया। अब चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही हैं और क्षेत्रफल किधर, ऊपर, तो थीटा कितना हो गया 90। अगर इसी को घुमा के हम ऐसे कर दें तो वैद्युत बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही हैं, अगर इसी को हम ऐसे था ऐसे से घुमा के इधर कर दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही हैं और ये क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0। अभी कितना था, 180 था, अब 90, अब 0। तो अब आप सोचो अगर ऐसे था तो एंगल कितना था 180, या फिर हम 0 भी कह सकते हैं कि अगर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में ही कर दें ऐसे, वो तो डायरेक्शन में एरिया की इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, ओपन एरिया है ना ये, ओपन सरफेस एरिया, टू डायमेंशनल एरिया में किसी भी तरफ डायरेक्शन ले सकते हैं, बस पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। तो जैसे ये हमने ले लिया, चाहे ये ले लिया, बात एक ही है, बात समझ में नहीं आई। तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं, क्षेत्रफल भी इधर है, दोनों के बीच का कोण कितना 0। अब ये बताओ इस समय चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा कि इस समय, जब एंगल 0 होगा, जब ये 0 होगा तब। अगर ये एंगल 0 है तो कौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है, साइन या कॉस, कॉस। तो यहाँ पर एक रीज़न ये भी है कॉस लेने का कि जब थीटा 0 होता है तो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा, अधिकतम का फंक्शन कौन कॉस, इसीलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर कॉस, बात समझ में आई। दूसरा रीज़न ये कि इनका डॉट गुणा लेते हैं तो इसीलिए कॉस थीटा आता है, समझ में आया होगा। तो फ्लक्स परिवर्तित करने के लिए हमें फ्लक्स परिवर्तित क्यों करना चाह रहे हैं हम लोग, ताकि वैद्युत वाहक बल मिले, वैद्युत वाहक बल एक प्रकार का वोल्टेज होता है और वोल्टेज में ही आर से भाग करा के हम करंट लेते हैं, तो इसीलिए हम फ्लक्स को परिवर्तित करना चाहते हैं। तीन तरीके हैं फ्लक्स परिवर्तित करने के। पहला तरीका देखें, चुंबकीय क्षेत्र को घटाए बढ़ाएं। चुंबकीय क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का मतलब कि यहाँ अभी एक चुंबक रखा है, मान लो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इधर से बल रेखाएं निकलेंगी निकलेंगी। अब हम क्या करें, बार बार चुंबक को हटाएं, ये वाला हटा के दूसरा लगा दें तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। अगर ज़्यादा तेज वाला चुंबक लगाएंगे, ज़्यादा तीव्रता वाला, तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, कम चुंबक लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो या तो बी को चेंज कर लें, ये एक मुश्किल काम है, बार बार चुंबक हटाना लगाना ये काम एक मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित करना इतना आसान काम नहीं है, बार बार चुंबक को हटाओ या तो, है ना, तो ये एक सही तरीका नहीं। दूसरा, कुंडली का क्षेत्रफल परिवर्तित करना। कुंडली का क्षेत्रफल परिवर्तित करने का मतलब कि कुंडली पहले इतनी बड़ी लो, उसको लटकाओ, फिर हटा के उसको छोटी लटकाओ, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन भी गलत है एक, और यहाँ पर ए को भी परिवर्तित करना गलत तरीका है। दूसरा तरीका, थीटा को परिवर्तित करना, ये एक आसान तरीका है। कैसे, आप कुंडली इसमें रख दो, बस कुंडली को घुमाते रहो, थीटा परिवर्तित होता रहेगा। ना तो इसमें आपको बी बदलना है, ना तो इसमें आपको ए बदलना है, बस बदलना क्या है थीटा। तो एकदम इधर दोनों तरफ चुंबक लगा दो, बीच में कोई भी कुंडली रख के धागे से लटका के उसको घुमाते रहो,
तो थीटा परिवर्तित होता रहेगा। तो सबसे आसान काम कौन सा है? थीटा को परिवर्तित करना। समझ में आई बात? जैसे ही थीटा को परिवर्तित करोगे फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। अब फ्लक्स परिवर्तित होगा तो क्या पैदा होगा? वैद्युत वाहक बल। कितना पैदा होगा इसकी बात करते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी कि फ्लक्स परिवर्तित कैसे करेंगे? बी को चेंज करेंगे, ए को, थीटा, थीटा ही परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, है ना, फ्लक्स परिवर्तन के चलते कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। E बराबर क्या होता है? एन डी फाइव आई डी टी। माइनस लें कि ना लें? माइनस लें कि ना लें? लोगे तब भी सही है, नहीं लोगे तब भी सही है। वो सिर्फ एक चिन्ह दर्शाने के लिए, मतलब डायरेक्शन को बताने के लिए लगाया जाता है। ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E बराबर माइनस एन डी फाइव की जगह कितना रखें? फाइव बराबर कितना होता है? बी ए कॉस थीटा। तो रख दिया बी ए कॉस थीटा और अपॉन में कितना? डी टी। अच्छा, ये थीटा क्या है? कोण है। इसको हम कोणीय विस्थापन भी कह सकते हैं। जैसे कोई मार्कर यहाँ था, आपने घुमा के इतना कर दिया, तो जितना एंगल ये चला वही होगा कोणीय विस्थापन। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोणीय विस्थापन को हम ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा बटे टी। कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। ये बात आई समझ में? यहाँ से थीटा कितना होगा बताओ? ओमेगा टी। थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं? ओमेगा टी। तो यहाँ रख देंगे। ई बराबर आ जाएगा माइनस एन डी बाई डी टी और साथ में बी ए कॉस ओमेगा टी। ये बात आई समझ में? अच्छा, बी नियतांक है कि नहीं है? बी परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बी तो हम परिवर्तित करने में हमने बताया मुश्किल होगी, तो बी को परिवर्तित नहीं करेंगे तो बी क्या है? नियतांक। ए को परिवर्तित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ए भी क्या है? नियतांक। तो बी और ए नियतांक है, तो इनको कहाँ भेज दें? बाहर, क्योंकि अवकलन में नियतांक हिस्सा नहीं लेते। पढ़ा होगा आपने अवकलन में, मास्टर ने पढ़ाया होगा क्यों? एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का अवकलन नहीं आता, आता है? क्या होता है? गलत है, हम माइनस साइन ओमेगा टी ना, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए साइन ओमेगा टी। बाद में हमें ओमेगा टी का भी अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि टी तो है नहीं। पढ़ा होगा अवकलन में ओमेगा टी का अवकलन? ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा टी का भी अवकलन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, ओमेगा टी के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हो। तो ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा, तो ये ओमेगा साथ में यहाँ हमने लगा दिया। ये बात आई समझ में? ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया वैद्युत वाहक बल। कितना वैद्युत वाहक बल? फ्लक्स परिवर्तन के चलते कितना वैद्युत वाहक बल होगा? यही है। बात समझ में आई? नोट करना चाहो कर लो।